नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 जुलाई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट तक 1432 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 18,853 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा पटना में 162, अररिया में 15, अरवल में 7, औरंगाबाद में 12, बांका में 10, बेगूसराय में 114, भागलपुर में 61, भोजपुर में 45, बक्सर में 26, दरभंगा में 15, गया में 50, गोपालगंज में 22, जमुई में 31, जहानाबाद में 17, कैमूर में 10, कटिहार में 18, खगड़िया में 43, किशनगंज में 10, लखीसराय में 33, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 35, मुंगेर में 48, मुजफ्फरपुर में 54, नालंदा में 107, नवादा में 92, पश्चिम चंपारण में 58, पटना में 162, पूर्वी चंपारण में 124, पूर्णिया में 6, रोहतास में 27, सहरसा में 10, समस्तीपुर में 22, सारण में 37, शेखपुरा में 6, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 55, सुपौल में 20, वैशाली में 11 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार 13,019 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 143 लोगों की जान भी जा चुकी है। 31 जुलाई तक बिहार में पूरी तरह से लगाया गया लॉकडाउन। बिहार में कोविड-19 के बदतर हो रहे हालत को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत इस दौरान राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आपातकालीन सेवा, बिजली ऑफिस, आपदा विभाग की सेवाएं चालू रहेंगी। हालांकि इन सभी कार्यालय में कम से कम कर्मियों के साथ काम करने की अपील की गई है। इसके अलावा दूसरे दफ्तरों के कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। इस दौरान बंद में धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल तक को बंद रखा जाएगा। आज आएगा सीबीएसई के 10वीं कक्षा का परिणाम। सीबीएसई द्वारा 12वीं के परिणाम की घोषणा करने के बाद आज 10वीं के परिणाम की घोषणा की जाएगी। मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि आज रिजल्ट जारी होगा। मंत्री ने छात्रों और अभिभावकों के रिजल्ट के लिए पहले से ही बधाई दे दी है, जिसके बाद आज सभी छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मुख्य अपर सचिव आमिर सुबहानी भी आए कोविड-19 की चपेट में। बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव आमिर सुबहानी भी कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले बिहार के कई जिलों के डीएम कोविड-19 से संक्रमित पाए जा चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव के दफ्तर में भी कोविड-19 की एंट्री हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 की एक नई सूची सामने आई है, जिसमें कुल मिलाकर 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें आमिर सुबहानी का नाम भी शामिल था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए नीतीश कुमार ने सभी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के खोले दरवाजे। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधान पार्षद और छात्र जनता दल यूनाइटेड के प्रभारी प्रोफेसर रणवीर नंदन ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम पर चर्चा की है। मिली जानकारी के अनुसार जनता दल यूनाइटेड के प्रभारी ने ट्यूजडे टॉक के तहत यह चर्चा की है, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्रों को लेकर जिस तरह से काम किया जा रहा है वो बहुत ही बेहतर संकेत दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने जब 2015 में सत्ता संभाली तो उन्होंने उच्च शिक्षा तक तमाम वर्ग के छात्रों को पहुंचाने की योजना पर काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च कर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन बदलाव लाया है। जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए पहले लेना होगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। निबंधन कार्यालय में लोगों के जमावड़े को नहीं देखा जाएगा। जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिए पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की व्यवस्था की गई है। निबंधन विभाग ने पटना में फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के खातिर फ्लैट के दस्तावेजों की पीडीएफ कॉपी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए सभी आम नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत प्रबंधन की प्रक्रिया आसानी से करवाई जा सके। हालांकि निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के समय इसे ध्यान में रखने की अपील की गई है कि अपलोड की गई कॉपी पीडीएफ मूल में ही हो। तीन तटबंध के टूटने से उत्तर बिहार आया बाढ़ की चपेट में। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रहे बारिश के कारण कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं और तटबंध टूटने से बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। मधुबनी जिले में एक और पूर्वी चंपारण में दो तटबंध टूट गए हैं। बांध टूटने से आसपास के निचले इलाके में पानी घुस चुका है। कई दर्जन गांव पानी से घिर गए हैं। बघा में लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के झंडू टोला स्थित SSB कैंप में 4 फुट पानी भर गया है। इसके अलावा 4 गांव भी जलमग्न हो चुके हैं। सीतामढ़ी में चौरौथ, पुपरी, सुरसंड, सोनबरसा, परिहार समेत कई गांव में पानी फैल गया है।
भाजपा कार्यालय में एक साथ 24 नेता मिले पॉजिटिव। बिहार में कोविड 19 की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई है कि आम नागरिकों से लेकर राजनेता भी इसकी चपेट में बड़ी तेजी से आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार भाजपा के 24 नेता कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें महामंत्री नागेश, प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, राधा मोहन शर्मा समेत भाजपा के कई सीनियर नेता का नाम शामिल है। आप ये जानकारी के लिए आपको बता दें, कुल मिलाकर 110 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 24 भाजपा कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी पुष्टि संजय जायसवाल ने की है। जदयू ने सोशल मीडिया टीम की तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों ने डिजिटल माध्यम से अपनी तैयारियों को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो उसके बाद सोशल मीडिया का बहुत महत्व माना जा रहा है। इस साल के विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि प्रदेश के सत्तारूढ़ जदयू ने भी अपनी सोशल मीडिया टीम को तैयार कर लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया टीम प्रभारी अमरदीप के अनुसार यह टीम लगातार नीतीश कुमार के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। फेसबुक लाइव के दौरान वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कई लाख फॉलोअर्स भी जदयू के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम बिहारी पहचान में बात करेंगे मीरा कुमार, जो बनी थी देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर। बिहार की बेटी और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को देश की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मीरा कुमार देश के पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। मीरा कुमार बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज दर्रार थी, जिसकी वजह से पिता जगजीवन राम और माता इन्हें बेहद ही प्यार करते थे। मीरा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित महारानी देवी स्कूल में हुई थी। इतना ही नहीं, मीरा कुमार काफी दिनों तक ब्रिटेन, स्पेन और मॉरिशस की उच्चायुक्त भी रही हैं। हालांकि वर्ष 1984 में मीरा कुमार ने भारतीय विदेश सेवा से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान पर सीता नगरी में दिखा गुस्सा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम का जन्म अयोध्या नगरी में होने की बात कही थी। भारत में लोगों का गुस्सा जिसके बाद बढ़ता ही जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके इस बयान की आलोचना हो रही है। नेपाल सीमा से सटे माता सीता की नगरी सीतामढ़ी में खूब आलोचना हो रही है, जिसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री के खिलाफ सभी लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया है, उससे यह साबित होता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। माता सीता के जन्मस्थली कहे जाने वाले शहर सीतामढ़ी के पुनरोद्धार के लोगों में भी नेपाल के पीएम के बयान पर भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बिहार कांग्रेस चुनाव अभियान समिति ने सभी जिलों के लिए पर्यवेक्षक किया नियुक्त। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। अभी हाल ही में कांग्रेस चुनाव मुहिम समिति की तरफ से सभी जिलों में पर्यवेक्षक की तैनाती कर दी गई है। बिहार कांग्रेस चुनाव मुहिम समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सभी जिलों के लिए कांग्रेस नेताओं को बतौर पर्यवेक्षक मनोनीत कर दिया है, जिसकी जानकारी भी उन्होंने खुद साझा की है। सुशांत के जाने के एक महीने बाद उनकी याद में अंकिता ने डाला पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत के जाने से ठीक एक महीने बाद उनकी पिछली गर्लफ्रेंड रह चुकी अंकिता लोखंडे ने बीते दिन सोशल मीडिया पर दिए की फोटो को शेयर किया है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद अंकिता काफी ज्यादा परेशान रह रही थी। उन्होंने सुशांत के जाने के बाद से अपने सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट शेयर नहीं किया था। एक महीने से अंकिता किसी भी सोशल मीडिया साइट पर एक्टिव नहीं थी, जिसके बाद अब जाकर के उन्होंने दिए की तस्वीर को शेयर किया है। उसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा है, भगवान का बच्चा। भाजपा के दफ्तर में कोविड 19 प्रभावित मिलने के बाद तेजस्वी यादव और निखिल आनंद आए आमने सामने। बिहार भाजपा के दफ्तर में 24 लोग कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की जान जा रही है और भाजपा वर्चुअल रैली करने में व्यस्त है। उसी का नतीजा है कि आज एक साथ 75 नेता कार्यकर्ता कोविड 19 संक्रमित पाए गए हैं, जिस पर भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने जवाब देते हुए कहा है कि राजद कांग्रेस के लोग भाजपा पदाधिकारियों के बीच कोविड 19 संक्रमण संबंधित बयानबाजी कर अफवाह फैलाकर गलत राजनीति करने में लगे हुए हैं। हकीकत यह है कि 110 लोगों की जांच में पार्टी पदाधिकारियों के साथ कुछ स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, आसपास के सफाईकर्मी का नाम शामिल है। कुल 24 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 5 लोग भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी हैं। बिहार के 12 जिलों में मौसम विभाग में आंधी तूफान के साथ बारिश की जताई गई संभावना। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज काफी खराब रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के 12 जिलों में मौसम विभाग ने सतर्कता जारी कर दी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए सतर्कता में आंधी तूफान के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके तहत बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के अलावा पटना, गया, नवादा और वैशाली में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि बिहार के अन्य इलाके में बारिश से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।
नियमों का पालन नहीं करने वालों से 2 करोड़ का कटा चलान। कोविड-19 के इस माहौल में लगातार सरकार सभी आम नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, मगर कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन से पिछले 24 घंटे में 622 वाहन जब्त किए जा चुके हैं और 15,27,300 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। इसी तरह 1 जुलाई से अब तक 2,28,74,900 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल ली गई है। पुलिस महानिदेशक ने आगे यह भी बताया है कि मास्क नहीं पहनने पर भी सख्त से सख्त कदम उठाए गए हैं। बीते दिन पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वालों से 2,868 व्यक्तियों से 1,43,400 रुपए की राशि वसूली गई है। अब हर खेत तक पानी पहुंचाने का सर्वे किया जाएगा कृषि जल ऐप के माध्यम से। अब हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 17 जुलाई से 7 अगस्त तक खेतों के प्रत्येक प्लॉट को सर्वे किया जाएगा। NIC द्वारा तैयार कृषि जल ऐप के माध्यम से सर्वे करने का फैसला सुनाया गया है। इस मामले में बीते दिन मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देश जारी कर दिया है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया है कि राज्य के 58% खेत सिंचाई की सुविधा हो, इसीलिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य हर खेत तक पानी पहुंचाने का है। कृषि जल ऐप पर सर्वे आंकड़ा फीड होगा। सर्वे राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध डिजिटल मैप के अनुसार होगा। बिहार में पैक्स चुनाव को किया गया कैंसिल। बिहार में पैक्स चुनाव को कैंसिल कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उक्त आदेश जारी किया है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव को तत्काल कैंसिल किए जाने का आदेश जारी करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें सभी जिलों को इसकी सूचना जारी कर दी गई है। हालांकि राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने चुनाव स्थगित किए जाने के पीछे खराब मौसम का हवाला दिया है। इसमें कोविड-19 का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि कई जिलों में बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बन गई है। इसलिए स्थिति को देखते हुए चुनाव को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य में पौधारोपण का काम लगातार है जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य में जल जीवन हरियाली मुहिम के तहत पौधारोपण का काम जारी है, जिसके तहत राज्य में बंद के बावजूद जीविका दीदियों की तरफ से पौधे लगाने का काम शुरू करवा दिया गया है। यदि ऐसा होता है तो इलाके में फलदार वृक्ष पौधे लगाने का काम जोर शोर से किया जाएगा। इनको 1 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य सरकार के आह्वान पर 9 अगस्त यानी कि पृथ्वी दिवस तक लगभग 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 75 लाख गड्ढे खोद दिए गए हैं। पटना एम्स में कोविड-19 मरीजों का होगा इलाज। पटना एम्स में इमरजेंसी सेवा को बंद कर दिया गया है। वहीं अस्पताल को कोविड-19 समर्पित घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत सामान्य इमरजेंसी मरीजों की सेवा तत्काल बंद कर दी गई है। यहां सिर्फ कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए बैनर भी लगा दिया गया है। पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने भी इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए बताया कि एम्स में बड़े पैमाने पर सामान्य इमरजेंसी और कोविड-19 संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं, जिससे सभी मरीजों के साथ न्याय करना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की ओर से कोविड-19 मरीजों पर ही फोकस करने का निर्णय लिया गया है। सुशील कुमार मोदी ने लॉकडाउन लगाने के पीछे की वजह को किया साझा। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए हर 24 घंटे में प्रभावित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जिस पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए एक तरफ हर गरीब परिवार को 4 मार्च को एक साबुन मुफ्त देने के लिए 160 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वहीं हर तरफ मास्क लगाए बिना बाहर निकले लोगों से जुर्माना वसूलने में भी सख्ती बढ़ती गई है। इसके बाद भी सार्वजनिक स्थानों पर एहतियात बरतने में कमी देखी जाती है और यही कारण है कि संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और पूरे प्रदेश में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोविड-19 जांच करने का टारगेट हुआ पूरा। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बेलगाम बढ़ती जा रही है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य विभाग को आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किए गए वादे अनुसार बीते 24 घंटे में बिहार में 10,000 कोविड-19 सैंपल की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विभाग की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में जांच का दायरा बढ़ाकर 10,000 से ऊपर कर दिया गया है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश सरकार पर लगाए आरोप। बिहार के जन अधिकार पार्टी के मिलन समारोह के दौरान कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ते देखे गए हैं। इस दौरान जाप नेता ने होम सेक्रेटरी में कोविड-19 पॉजिटिव होने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब गृह सचिव भी संक्रमित हो सकते हैं तो फिर बाकी कौन रहेगा, इसलिए हमारी मांग है कि चुनाव स्थगित कर दी जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल कॉलेज बंद है, रोजगार खत्म है, मजदूर सड़क पर आ गए, तो फिर नीतीश कुमार सड़क पर क्यों नहीं आए हैं। लॉकडाउन के दौरान दुकानदार, स्कूल समेत अन्य निजी संस्थानों की बिजली बिल को कम करने के बारे में भी सरकार सोच विचार करे।
टीम इंडिया के विकेटकीपर केएल राहुल ने पोस्ट की एक तस्वीर। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने बीते दिन अपना सोशल मीडिया साइट से अपने पहले प्यार की तस्वीर को शेयर किया है और बताया है कि वो उन्हें कितना मिस करते हैं। कोविड 19 की वजह से सभी खिलाड़ी घरों पर ही रहने पर मजबूर है, जिसके तहत राहुल ने ट्वीट कर अपने पहले प्यार क्रिकेट को मिस करने की बात कही है। उन्होंने अपनी क्रिकेट किट के साथ एक तस्वीर डाली है। इस तस्वीर में वो अपने हेलमेट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि उनके सामने 3 बल्ले रखे हुए हैं। सामने जमीन पर पैड और ग्लव्स भी रखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी खिलाड़ी फिलहाल मैदान से दूर चल रहे हैं। सुंदर पिचाई ने गूगल द्वारा हर भारतीय को उन्हीं की भाषा में सूचना पहुंचाने का किया दावा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया के 6th संस्करण कार्यक्रम के दौरान कहा कि हर भारतीय तक उन्हीं की भाषा में सस्ती सूचनाएं पहुंचा जाने का प्रयास गूगल जरूर करेगा। भारत की जरूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण किया जाएगा और कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त बनाया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए मेधा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना भी हमारा मकसद होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि कोविड 19 के चलते दुनिया समेत भारतीय शिक्षा में बदलाव हुआ है। आज घर बैठे बैठे छात्रों को ऑनलाइन क्लासरूम से जुड़ने के लिए शिक्षकों को ई ट्रेनिंग दी जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मनीष कुमार, रोहित पाठक, करण सिंह, दिव्यांशु कुमारी, नीतीश कुमार, मिथिलेश कुमार, ब्रजेश तिवारी, मोहम्मद निजामुद्दीन, बिट्टू कुमार रॉय, शेखर सैनी, प्रभाकर कुमार, कुंदन यादव, पिंटू कुमार, राजेश कुमार गुप्ता, पप्पू सैनी, मुकेश कुमार, संटू। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार सरकार द्वारा कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए लगाए गए 31 जुलाई तक के लॉकडाउन का फैसला कोरोना संक्रमण के रोकथाम में कितना कारगर साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।